नवगठित हिमाचल अधिकार पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 11 विधानसभा क्षेत्रों से अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल करके उन्हें टिकट बांट दी है। मंडी स्थित पार्टी के मुख्य कार्यालय में पार्टी के पास आए हुए आवेदनों पर मंथन करने के बाद हिमाचल अधिकार पार्टी ने 11 टिकटों का ऐलान किया है, जिन्हें टिकट दे दी गई है, जिसमें मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशीष कुमार शर्मा, सरकाघाट से डॉक्टर संजीव पठानिया, सरास से गृहिणी शांता देवी, नाचन से सामाजिक कार्यकर्ता जमुना देवी, चंबा जिला के चुराह से सेवानिवृत्त HAS अधिकारी देशराज जरियाल, कांगड़ा की धर्मशाला से पंकज पाठक, इंदौरा से सामाजिक कार्यकर्ता चमनलाल, जसपा प्रागपुर से राजेश गौतम, पालमपुर से पूर्व CBI अधिकारी देशराज शर्मा, सोलन जिला के अर्की से शीला शर्मा और बिलासपुर जिला के सदर से विस्थापित संगठन नेता अमरजीत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हिमाचल अधिकार पार्टी के संयोजक देशराज शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में 11 अन्य प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा और इस प्रकार से पूरे विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल अधिकार पार्टी हिमाचल के लोगों के हितों को लेकर लड़ाई लड़ रही है और इन सब बातों को पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है। आज हमने 11 कैंडिडेट पूरे हिमाचल प्रदेश भर से फाइनल कर लिए हैं और आज रात भर दोबारा से बैठक चलेगी तो कल हमारी और कैंडिडेट फाइनल किए जाएंगे और इसी तरह से हम लोग शीघ्र ही पूरे 68 विधानसभा क्षेत्र से हमें लगता है कि सैकड़ों जो हमारे पास आवेदन आए हैं उनमें से हम लोग शीघ्र ही हमारी जो PAC जो कमेटी है ये कमेटी शीघ्र ही जो है तमाम कैंडिडेट्स को फाइनल करके जल्दी ही ये नॉमिनेशन भी फाइल करने के लिए निकलेंगे और पूरे प्रदेश के लोगों के साथ ये लोगों की पार्टी है हिमाचल अधिकार पार्टी और हम लोग हिमाचल प्रदेश में हिमाचल अधिकार पार्टी की सरकार 18 दिसंबर को बनाएंगे। बहुत दिनों से इतने दिनों से बातचीत चल रही थी, काफी मत्थापच्ची करने के बाद हमारे पास सैकड़ों लोगों के नाम आए तो हमने अभी आज 11 आदमियों की पहली लिस्ट जारी की क्योंकि हम इसी तरह से 11-11 आदमियों की लिस्ट आगे को तैयार करके प्रतिदिन देते रहेंगे और नॉमिनेशन कराने के लिए बताते रहेंगे।